करता है उसको देख लेते हैं, कहीं उसी तरह की स्ट्रेटजी तो आपको। ये बात जो आप उनसे पूछिए जिन्होंने लिस्ट रोक की है, हमने तो अपना फाइनल फैसला बताया कि आज मीटिंग करके मंथन करेंगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से चर्चा करेंगे और जो आदेश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से होगा कि फलां उम्मीदवार फलां जगह से लड़ेगा उसको निश्चित रूप से लड़ाया जाए। बीजेपी के अलावा और कोई दल गठबंधन की बात करता है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है? राजनीति में किसी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। सर आप एक कल स्पीकर ने फैसला लिया सर, विधायक ने जो दो विधायकों ने इस्तीफे दिए थे सर, आपसे सवाल था कि और आज चार विधायकों को नोटिस भी जारी कर दिए गए विधानसभा की तरफ से कि उनको आप सर नेता विपक्ष आप रहे सर, आपने अगुवाई की है। हमने स्पीकर को किस डेट में लिख के भेजा था? 23 तारीख को मैंने स्पीकर को एड्रेस करके और अपना इस्तीफा भेजा था जो 24 तारीख की प्रेस में सामने आया था, और मैंने उसमें ये कहा था कि जो 5 MLA हैं जिनमें रणवीर गंगवा जी भी थे और जिनमें 4 जो है अपने आप को JJP के सहयोगी बताते हैं, उन पांचों के लिए हमने ये लिख करके भेजा था कि स्पीकर इन पांचों के खिलाफ पहले कार्रवाई करे और खास करके जो गंगवा जी BJP में ज्वाइन किए संविधान के मुताबिक और जो एंटी डिफेक्शन बिल आया था उसके मुताबिक कोई भी विधायक किसी भी पार्टी से या कोई मेंबर पार्लियामेंट किसी पार्टी से चुन करके जाता है वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो कहते तो ये है कि ऑटोमेटिक उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है, लेकिन रणवीर गंगवा ने तो सभी ये बात पेपरों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने कही कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मैंने BJP ज्वाइन करी है। इसलिए हमने स्पीकर को लिखा कि इसको तुरंत डिसमिस किया जाए और तुरंत इसको इसके खिलाफ जो विधानसभा के स्पीकर के विधानसभा के सचिवालय के तहत जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई इसके खिलाफ की जाए। जहाँ हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करी थी, जहाँ उसको हमने कहा था कि इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, वहीं हमने उन 5 के लिए 4 के लिए और लिख करके दिया था कि ये 4 भी हमारी पार्टी के जिस सिंबल पे जीत करके आए, जिस पार्टी से जीत करके आए उसके खिलाफ कहीं दूसरे मत साझा करते। हमने सबूत के साथ सारी चीज़ें उनको दी और उनसे कहा कि आप इनके खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई करो। पर बड़ी हैरानी की बात है, स्पीकर का जो फैसला आया कल वो बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। जब मैंने लिख करके भेज दिया स्पीकर को कि जब आप इन 2 के खिलाफ इन 5 के खिलाफ कार्रवाई करोगे एक्शन लोगे, अगर आप इनको डिस्क्वालीफाई करोगे तो मेरा इस्तीफा साथ के साथ मंजूर कर लेना। उनमें से 2 को उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए और जो इस्तीफे मंजूर किए जिन लोगों ने ये कहा कि हमने इस्तीफे दिए ही नहीं, ये कहते हैं कि हमने 20 तारीख में मंजूर कर लिए। तो स्पीकर सच बोल रहे हैं या गंगवा सच बोल रहे हैं, कौन सच बोल रहे हैं इन दोनों में से? आपके सामने हिसार के अंदर प्रेस के सामने ये बात उन्होंने कही है गंगवा जी कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया और ना मैं इस्तीफा दूंगा। तो फिर स्पीकर किस आधार पे ये बात करते हैं कि 20 तारीख को मेरे पास इस्तीफा आ गया और चलो मैंने मान लिया कि 20 तारीख को स्पीकर के पास इस्तीफा चला गया, तो फिर स्पीकर 26 तारीख तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? या तो फिर 20 तारीख को कहे मैंने पिछले डेट में इस्तीफा मान लिया इनका, तो फिर 20 को अनाउंस क्यों नहीं किया? फिर 20 को साथ के साथ अनाउंस करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से जो सारी चीज़ें जो पेटिशन दायर करी वो स्पीकर के ऑफिस को दी, स्पीकर के ऑफिस से रिसीव करी, स्पीकर के सेक्रेटरी ने उस पर साइन करके दिया कि हमने आपकी पेटिशन को जो है रिसीव कर लिया। उसके बाद स्पीकर के पास आजकल तो इतने साधन है कि 1 सेकंड के अंदर हर चीज़ की जानकारी हर आदमी को घर बैठे मिल जाती है, और स्पीकर के सेक्रेटरी को दी तो स्पीकर के सेक्रेटरी ने तो इमीडिएटली बात करी उनसे, तो साथ के साथ इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं किया गया?
और अगर इस्तीफा साहब के साथ मंजूर नहीं किया तो फिर स्पीकर को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि मैंने 20 तारीख को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। और मेरे वाले इशू में स्पीकर को ये कहना कि मैंने उनको हटा दिया, ना तो स्पीकर ने मुझे बनाया, मेरी पार्टी के विधायकों ने मुझे चुन करके अपना नेता मान करके अपोजिशन लीडर बनाया था। स्पीकर का कोई रहम नहीं है मेरे ऊपर, सरकार का कोई रहम नहीं है मेरे ऊपर, और ना ही स्पीकर के पास मुझे हटाने की कोई पावर दे रखी थी। अगर किसी की संख्या कम हो जाएगी वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये स्पीकर कैसे कह सकता है कि मैंने उनको हटा दिया, मैंने उनसे सारी सुविधाएं वापस ले ली। मैं कोई स्पीकर के मातहत काम थोड़ा ही करता हूँ, मैं कोई सरकार के मर्जी से कोई काम थोड़ा ही कर रहा हूँ। मेरी अपनी पार्टी है, मेरी पार्टी ने मुझे विधायक दल की मीटिंग बुला करके नेता चुना है, उनका फैसला था। और जब उनकी संख्या घट गई और जब कुछ स्वार्थी लोग छोड़ करके चले गए तो मैंने तो उसी वक्त नैतिकता के आधार के ऊपर अपना इस्तीफा स्पीकर के पास भेज दिया था। स्पीकर साहब को कहना चाहिए था कि भाई एक ऐसा विधायक है जिसने आज तक किसी भी विधायक ने विधानसभा को या तो डिस्क्वालीफाई हुए हैं और या फिर उनको समय पूरा किया गया। अकेला मैं था जिसने नैतिकता के आधार के ऊपर एक मिनट नहीं लगाई। जैसे मुझे पता लगा कि रणवीर गंगवा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, मैंने साथ की साथ स्पीकर को लिख करके भेज दिया कि अगर इसका इस्तीफा मंजूर करते हो तो मेरा इस्तीफा साथ में मंजूर कर लिया जाए। स्पीकर के पद पे बैठ करके कोई आदमी उस पद की गरिमा को कम करे, मुझे लगता है कि ये स्पीकर की अपनी मर्जी से लिया हुआ फैसला नहीं। ये फैसला लिख करके दिया, ये पढ़ करके प्रेस को बता देना। हैरानी की बात ये कि स्पीकर को भी सरकार के दबाव में काम करना पड़ा। आप किसी चैनल में नौकरी कर रहे हो, आप छोड़ के चले जाओ, कोई रोका? ये जो दोनों विधायक गए हैं ये दोनों स्वार्थी थे, ये लालच में आ गए। इनको कहना कि ये लालच लोग दिया गया होगा कि तुम्हें आगे टिकट देंगे, आगे तुम दोबारा चुन करके आ जाओ, ये फैसला जनता ने करना है, ना कि किसी पार्टी ने करना होता है। सर कोई लीगल एस्पेक्ट इसमें है अभी यहाँ पे, जिस तरीके से आपने डेट का बताया कि 20 तारीख को वो काम, दोनों जो विधायक का इन्होंने इस्तीफा मंजूर किया उसको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम इनको डिस्क्वालीफाई कराएंगे। ये दोनों के दोनों डिस्क्वालीफाई होंगे और जब डिस्क्वालीफाई होंगे तो फिर मान के चलो कि जिस आदमी पे क्वेश्चन चिन्ह लग जाता है वो सारी उम्र का होता है, एक दिन का नहीं होता। अगर स्वेच्छा से इस्तीफा दे करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन कोई दागी होकर के जाए तो 100% उस पर सारी उम्र, उसकी आने वाली पीढ़ी से भी लोग क्वेश्चन करते हैं फिर कि तेरे बाप ने तेरे दादा ने किस लिए इस्तीफे दिए, किस लिए छोड़ के भागे थे, क्या स्वार्थ था तुम्हारा, तो इन स्वार्थियों से तो पूछा जाएगा। विधायकों की ओर से भी असहज माहौल होने की बात कही जा रही है, कोई नई बात नहीं है। चौधरी देवीलाल के साथ सन 1977 के अंदर 76 विधायक थे और 76 में से कोई मेरे ख्याल 30-32 विधायक भजनलाल लेके भाग गया था, एक ही साथ ले गया, 30 लेके चला गया था। और 82 के अंदर 51 विधायक थे हमारे, 51 में से 9 बचे थे। उसके बाद 77 में भी, 87 में भी इसी तरह का खेल फिर खेला गया। लेकिन जब जब भी हमारी पार्टी को राजनीतिक तौर पे किसी ने कमजोर करने का प्रयास किया उसको तो मुंह की खानी पड़ी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो फिर से ताकत में आई, सत्ता में भी आई। सर 100% ये लोग जो भगोड़े हुए हैं, जो भाग करके गए, जो स्वार्थी हुए, इनके जाने का फायदा भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को होगा। आम आदमी की जबान पे इस बात को लेकर के आज चर्चा है कि स्वार्थी किस्म के लोगों ने कई दफ़ा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने की कोशिश करी, लेकिन उन स्वार्थियों को मुंह की खानी पड़ी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत पड़ी। लोकसभा चुनाव आप निश्चित रूप से
दो का 100% लोकसभा के जब नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले। ये तो सर दो विधायकों को ही, जो चार विधायक और थे जो जेजेपी समर्थित कहते हैं उनको नोटिस जारी हो गया है सर, आज 7 दिन में जवाब देना उनको। वो चारों के चारों भी अगर स्पीकर निष्पक्ष होकर के फैसला करेगा तो 100% चारों डिस्क्वालीफाई, वो भी नहीं बच सकते। एक सर आज आप पीएसी की मीटिंग है तो क्या कुछ पुराने चेहरों पर विचार होगा या नए लोग भी आपके प्रत्याशी हो सकते? ये सारे साथी अभी बैठे नहीं आए, उसके बाद बैठ करके आपस में तय करेंगे, जो जो नाम आए हमारे पास उन नामों पर विचार करेंगे, नामों पे विचार करके फिर चौटाला साहब को अध्यक्ष जी जा करके मिल करके उनसे चर्चा करके कौन कौन कैंडिडेट होंगे उस पर 100% लिस्ट जारी करेंगे। करंट करंट इसी में कितने लोगों ने दावेदारी पेश की है और इसी में सवाल है क्या करंट चौटाला परिवार अर्जुन चौटाला के नाम पर भी चर्चा हो सकती है क्या, वो भी चुनाव मैदान में आ सकती है? क्यों नहीं हो सकती बताओ, जिस किसी ने अपनी उम्र के 21 साल पूरे कर लिए, जिसने 25 साल पूरे कर लिए, अगर कोई लोगों की तरफ से डिमांड हो, हर आदमी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। हम तो आपके नाम पे भी चर्चा कर सके कि कोई पत्रकार साथी को भी अबकी बार कहीं से एडजस्ट कर लिया जाए, आपको तो मेरी ख्याल तब तो खुशी होगी ना, जरूर किसी पत्रकार का नाम रोहतक ही कर दो सर, रोहतक ही कर दो। तो तुम फैसला कर लो कौन से को लड़ाना है, आप करो सर, आपकी है पत्रकार बैठ के फैसला कर दे दो, आप अपना पैनल बना के दे दो विचार कर लेंगे। ये सर अंतिम फैसला हो गया कि इनेलो 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे? डेफिनेटली, हमने अभी अशोक जी ने आपको बताया भी हम 10 की 10 पे लड़ेंगे। अगर हरियाणा में 10 की जगह 20 लोकसभा क्षेत्र होते, 20 पे लड़ते, 100 होते तो 100 पे लड़ते। एक सर कांग्रेस का परिवार एक बस में सवार होकर निकल पड़ा है सर, सभी लोग बस में बैठ के फोटो खिंचाई और फिर उस बस को छोड़ करके अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे। यहाँ तक भी हुआ कि बस में केवल 2 सवारी बची, बाकी तो सारी की सारी सवारियाँ अपने अपने साधनों पर चली गई। इसका मतलब कनुमा बिखरा हुआ है, दिखावे के रूप में इकट्ठा है, अंदर खा गया, 100 के 100% अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग रस्ते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कह रहे हैं कि वो लोकसभा का चुनाव सोनीपत से लड़ सकते हैं। कौन रोक गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 की 10 सीट पर लड़े, यूपी में जाके लड़ी, यूपी में लड़ी ना उसको कहीं लड़ने क्या है मुझे, मैं कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाके अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता हूँ। चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना उसमें बड़ा अंतर है। हमारा सीधा सा एजेंडा है इस प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर, कांग्रेस के राज में भी किसान को कमजोर किया गया और पीछे भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर किसान की और ज़्यादा अनदेखी की गई, जहाँ किसान को आर्थिक रूप से कमजोर किया वहाँ किसान को इन्होंने सामाजिक रूप से भी तोड़ने की कोशिश करी है, कमजोर करने की कोशिश करी है। अब राजनीतिक रूप से भी किसान को कमजोर करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हमारी पार्टी का फैसला है कि हम कमेरे के हिमायती हैं। चौधरी देवीलाल ने एक ही बात कही कि एक कमेरों की जमात है, एक लुटेरों की जमात है। लुटेरे वो हैं जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस देश के, जो लाखों करोड़ का लोन लेते हैं, हजारों करोड़ की सब्सिडी खाते हैं और उसके साथ साथ सिटी यूनिट्स बना करके फिर वो लाखों करोड़ रुपया भी हजम करते हैं। सरकार उनके आगे नतमस्तक होकर के उनकी हेल्प करती है। कमेरा वो है जो खेत में कमा करके खाता है, जो छोटी दुकान चला करके अपना रोजी रोटी निकालता है, जो मजदूरी करता है, जो छोटा कारखानेदार है, जो पेटरी चलाता है, जो कोई आटे की मशीन चलाता है, कोई छोटे मोटा तेल का काम करता है, वो लोग जो है वो कमेरा वर्ग है। हम उसके हिमायती हैं। चौधरी देवीलाल ने कमेरे के साथ जब कभी भी किसी ने नाइंसाफी करी, उसको कमजोर करने की कोशिश करी, अगर वो किसी पद में भी थे तो उन्होंने पद छोड़ दिया उसके लिए। हम भी 100 का 100% कमेरे की लड़ाई लड़ेंगे
और कवेरी की बात को लेकर के ही लोगों के बीच में जाएंगे। एक सवाल है सर, भारत के वैज्ञानिकों ने आज जो है 350 किलोमीटर अंतरिक्ष में लाइव सैटेलाइट को मार गिराने का परीक्षण किया है, वो सफल हुआ है। हम उनको बधाई देते हैं। हमारे देश के साइंटिस्ट अगर वैज्ञानिक जिनमें इतनी क्षमता है कि वो इस तरह की चीज़ को ईजाद कर सकते हैं, तो मान के चलो हमारा वैज्ञानिक आज देश में नहीं दुनिया में राज कर रहा है। हमें खुशी है कि हमारे यहाँ पे भी इस किस्म की प्रभुतियाँ हैं। एक तरफ तो ये लोग हैं जो देश का बड़ा सम्मान है, एक तरफ कुछ ऐसे राजनीतिक स्वार्थी लोग भी हैं जो अपनी राजनीति को चर्चा में रखने के लिए, जिनका वजूद खत्म होता जा रहा है, अपने आप को चर्चा में रखने के लिए हमारे जो माननीय लोग हैं, जो जिन लोगों ने देश के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाई, चाहे वो सर छोटू राम थे चाहे सर छाजू राम थे, हमारे दो ऐसे चेहरे थे इस प्रदेश के जिन्होंने, एक ने तो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान इस देश में रखा, एक का किसान वर्ग के लोगों के साथ अंग्रेज जबरदस्ती कर रहे थे, तो उन्होंने एक आंदोलन खड़ा करके एक ऐसी पहचान बनाई थी अपने आप की कि वो किसान के मसीहा कहे गए। और आज भी किसान खेत में जब जाता है, जिस घर में छोटू राम की प्रतिमा है फोटो लगी हुई है, वो मेरी ख्याल उसको भगवान के रूप में नमन करता है, और नमन करके फिर अपने खेत की तरफ रुख करता है कि तेरी वजह से आज मैं जीता हूँ। अदरवाइज इस किस्म के कानून इस देश में बन रहे थे कि किसान के पास तो एक कोड़ा जमीन भी नहीं बच सकते थे। एक तरफ तो हम लोग उन लोगों को याद करके उनके दिखाए रास्ते पे चल कर अपनी पहचान बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं राजनीति में जो उस पहचान को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो इस तरह की पहचान बना चुके हुए लोग हैं उनकी पहचान और ज़्यादा बड़ी होगी। जो कोई उनको कोश करके राजनीतिक तौर पे कहीं जिंदा रहना चाहते हैं वो खत्म हो जाए। सर जिनकी आपने बात की इंडायरेक्ट छोड़ यार इतनी दिखा।